गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटीफुल विद प्रांशी। तो मैं हूँ प्रेरणा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग निकल चुके हैं अपनी ईयर एंड ट्रिप पे। हम लोग जा रहे हैं वायनाड और हमारी 3 दिन की ट्रिप है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकले थे घर से 5 बजे, बट मॉर्निंग में अंधेरा था इसलिए मैंने व्लॉग की शुरुआत अब करी है। सो अभी है बहुत ही सुंदर सी सुबह, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज है हमारा ट्रिप का day 1 और हम लोग शायद 12 या 1 बजे तक वायनाड पहुँच जाएंगे जहाँ तक है, एंड देखते हैं वहाँ पे चल के आपको अपडेट करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। है घर की बनी हुई चाय। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर एंड अभी हम लोगों ने स्टॉप किया है फॉर ब्रेकफास्ट, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व और यहाँ पे मॉर्निंग 6 o'clock से पहले एंट्री नहीं है और ये पूरा जंगल जैसा है, एकदम ग्रीन चारों तरफ से, तो काफी ब्यूटीफुल भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल के बीच में से निकल रहे हैं। वैसे है तो जंगल ही, वी कांट स्टॉप द व्हीकल हियर। तो गाइस, अभी हो रहे हैं 10:30 और हम लोग वायनाड पहुंच चुके हैं, एंटर हुए हैं अभी, लेकिन हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से 10 to 11 किलोमीटर 43 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा अभी और भी दूर है। तो हम लोगों ने सुबह 5 बजे शुरू किया था घर से और अभी 10:30 पे हम वायनाड पहुंच चुके हैं और इसके आगे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा रिजॉर्ट बुक करते हो। We reached. अब देखते हैं अंदर का कैसा है। वेलकम ड्रिंक। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देने वाली हूँ एंड दिखा देती हूँ। जैसे हम लोगों ने एंटर किया था एंड रूम का नाम है पनामा, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये एक पीक है जिसका नाम है चंद्रा एंड चारों तरफ हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीनरी देख के। एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारी रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ एंड कैसा है। सो दिस इज़ अवर रूम। रूम नहीं है ये, तो पहले है एक बालकनी, यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई है और यहाँ पे रात में खड़े होके बैठ के आप बाहर के व्यू का एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ लोग गार्डन में काम भी कर रहे हैं नीचे, और यहाँ पे ग्रीनरी को इतना अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, सारे प्लांट्स इतने हेल्दी हैं, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जबकि हमारे बैंगलोर में तो अभी पतझड़ जैसा मौसम है। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन रूम। सो ये है हमारा रूम। यहाँ पर अगेन
एक ब्यूटीफुल सा विंडो है बड़ा सा, मतलब इधर के साइड वॉल है ही नहीं, पूरा ये विंडो है। तो यहाँ पर चारों तरफ ही ग्रीन पहाड़ी का व्यू है। चंद्रा पीक का नाम है चंद्रा। एंड यहाँ पे लगा हुआ है एक टीवी। अगेन यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत झूले वगैरह दिख रहे होंगे। सी कुछ कैंप जैसा भी बना हुआ है। तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में हम लोग रह रहे हैं। एंड यहाँ पे एक मिरर है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डेकोरेशन है, बहुत ही एस्थेटिक सा डेकोरेशन है। रूम का साइज भी अच्छा खासा है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है, टीवी है, फैन, एसी, आई मीन सब कुछ है रूम में। एक छोटा सा यहाँ पे वार्डरोब है एंड रिजॉर्ट है तो ऑब्वियसली अच्छे से मेंटेन करा हुआ है सारा। एंड दिस इज द बाथरूम जो कि काफी बड़ा है। और ये रही मैं। ओह ये भी है यहाँ पे। सी इसमें मेरा फेस काफी बड़ा सा दिख रहा है। सो ये तो हो गया हमारा रूम टूर और बहुत जल्दी हम लोग आपको रिजॉर्ट का भी टूर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैंने शावर ले लिया है और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है। ये कुछ ऐसी है दिखने में। सो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। इसका मैंने गेट रेडी भी शूट करा है। सो अभी हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए एंड लेट्स सी कहाँ जाते हैं। चुके हैं बनस, क्या नाम था, बनसपुरा डैम। और बहुत क्राउड है यहाँ पे। बनसुरा नाम याद नहीं रहता मुझे। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है एंड देन आगे हम जा रहे हैं डैम की तरफ। और कुछ वैन का टिकट मिला है हम लोगों को 40 रुपीस ईच है ना। और ये पूरा वैन के लिए लाइन लगा हुआ है और 1 आवर वेटिंग है। 20 मिनट्स वॉकिंग से लगेगा। सो हम लोग वॉक करते हुए ही जाएंगे। लोग कम ही है यार। सो ये है रूट और ये है जिप लाइनिंग कर रहे हैं लोग। यहाँ कुछ एक्टिविटीज भी हैं। एंड दिस इज द बनसुरी डैम। ओके अभी जिप लाइन और जगह पे करेंगे यार। यहाँ पे नहीं करेंगे यार, नीचे कुछ है ही नहीं, मजा भी नहीं है। अच्छी अच्छी सीनरी की जगह। सो जगह तो बहुत सुंदर है, बाकी ऊपर जाने पे पता चलेगा। सी द ब्यूटी। गाइस यहाँ पे बैक साइड में ऐसा गार्डन बना हुआ है,
बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है ये। यहाँ पे आप आके फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, बट कैमरा का अलग से चार्ज होता है। हाँ मोबाइल नहीं, मतलब प्रोफेशनल कैमरा। बजे के बाद में आप बोटिंग कुछ नहीं कर सकते, नो वाटर एक्टिविटी। 3 बजे से पहले आए लंच। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.